एक बार एक भालू अपनी गुफा से भोजन के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी दूसरी ओर से तीन रंगीन बाघ आ रहे थे। तभी उनमें से एक बाघ की नजर उस भालू पर पड़ती है और बाघ बोलता है, देखो दोस्तों, कितना मोटा ताजा भालू है। हम दो दिन से बहुत भूखे हैं। चलो आज इसका शिकार करते हैं। तभी वो तीनों बाघ भालू की ओर दौड़ने लगते हैं। तभी भालू तेजी से भागता है और एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। उस पत्थर के पीछे एक बल्लूडो नाम का गोरिल्ला अपनी दोस्त हिरन के साथ रहता है। तभी गोरिल्ला की नजर उस डरे हुए भालू पर पड़ती है और गोरिल्ला भालू से बोलता है, क्या हुआ भालू, बहुत डरे सहमे से लग रहे हो। बल्लूडोन, मेरे पीछे तीन रंगीन बाघ लगे हुए हैं जो मेरा शिकार करना चाहते हैं। तुम डरो मत मेरे दोस्त, आने दो उनको, मैं देखता हूँ। तब वो तीनों रंगीन बाघ भालू को ढूंढते हुए उस पत्थर के पीछे पहुंच जाते हैं और वहां भालू को उस बल्लू गोरिल्ला के साथ देखकर उनमें से एक बाघ बोलता है, देखो बल्लू डोन, ये भालू हमारा शिकार है, हट जाओ इसके सामने से, हमें इसका शिकार करने दो। मेरे होते हुए तुम इसको मारना तो दूर, तुम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम्हारी भलाई इसी में होगी, तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो तीनों रंगीन बाघ उस गोरिल्ला के डर से वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही भालू बोलता है, बल्लू भाई, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं भालू, ये तो मेरा फर्ज था, आज से तुम मेरे दोस्त हो और मेरे साथ रहो। तब भालू उस बल्लू डोन और हिरन के साथ रहने लगता है। एक सुबह होते ही बल्लू डोन उनसे बोलता है, सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें अपने दोस्त गोल्डन शेर के जंगल में ले जाऊंगा, वो मुझे बहुत दिनों से बुला रहा है, चलो चलते हैं। तब वो तीनों वहां से चल देते हैं और बल्लू डोन गोल्डन शेर की गुफा पर पहुंच जाता। आओ बल्लू डोन आओ, बहुत दिनों के बाद आए हो, नमकीन लोगे या बिस्कुट। तभी हिरन को हरी भरी घास दिखाई देती है। हिरन घास की ओर निकल पड़ता है। तभी वहां वो तीनों रंगीन बाघ आते हैं और हिरन का शिकार कर लेते हैं। तभी अचानक से बल्लू डोन और गोल्डन शेर की नजर उन तीनों बाघों पर पड़ती है जो हिरन को बेरहमी से चीर फाड़ रहे थे। तब गोल्डन शेर और बाघ उनकी तरफ दौड़ते हैं। वो तीनों बाघ वहां से भाग जाते हैं। अरे ये तीनों बाघ कौन थे, आज से पहले तो कभी इन्हें यहाँ नहीं देखा। गोल्डन शेर, मैं इन तीनों को जानता हूँ, एक दिन ये इस बेचारे भालू का शिकार करने आए थे, तब तो मैंने इन्हें भगा दिया था, लेकिन आज इन्होंने मेरी दोस्त हिरन को मारकर अच्छा नहीं किया। तुम परेशान मत हो बल्लू डोन, मैं अब इन तीनों को नहीं छोड़ूंगा, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, आओ बल्लू मेरे साथ चलो, इन तीनों को सबक सिखा कर आते हैं। भालू बेटा, तुम कोपचे में चलो, हम अभी आते हैं। तब गोल्डन शेर और बल्लू डोन उन तीनों की तलाश में निकल जाते हैं और तब थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो तीनों बाघ दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाते हैं। अरे अरे बल्लू डोन, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या, जो मुंह उठाकर यहाँ चले आए, और ये शेर कौन है? लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तब शेर उन पर हमला कर देता है और बल्लू डोन भी उन्हें एक एक करके पीटना शुरू कर देता है। गोल्डन शेर और बल्लू डोन उन तीनों की रेल बना देता है और उन तीनों से हिरन की मौत का बदला
ले लेते हैं।